हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने बड़ी की मात्रा लगाना और मिलाकर लिखना, बड़ी की मात्रा के शब्द लिखना और बुक की एक्सरसाइज आपने करी थी, चित्रों के नाम भी करे थे। हाँ, आज आप देखिए, ये हम करेंगे रिक्त स्थान, यानी इन पिक्चर्स को देख के हमें अपना यहाँ कंप्लीट करना है। ये है हमारा नंबर वन। अब देखिए, अब ये लिखा है मी थी। अब बताइए क्या मीठी थी, ये किसकी पिक्चर है? ये है नाशपाती। तो कैसे लिखेंगे? नाशपाती। नाशपाती मीठी थी, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा नंबर टू। आप ये देखिए, ये है हमारा रिक्त स्थान, रिंदा ब्लैंक्स, खाली जगह। देखिए, कली पर जाती थी, ठीक है। अब बताइए ये कौन है? ये है तितली। तो क्या लिखेंगे? तितली कली कली पर जाती थी। आपको क्या करना है, ये पिक्चर देखनी है और उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ये देखिए, ये है नंबर थ्री। क्या लिख रहा है? नानी मीठी। किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, दोनों पर भी, नानी पर भी। और ये ला ई, ठीक है। अब क्या, किसकी पिक्चर है ये देखो? ये है लीची। कैसे लिखेंगे? ली ची, चापर बड़ी की मात्रा। क्या हुआ ये? नानी मीठी लीची लाई। चलिए एक बार रीड करेंगे। नाशपाती मीठी थी। किसकी पिक्चर है? जो नाशपाती की है। तितली किसकी पिक्चर है? ये तितली की है ना, बोलो। तितली कली पर जाती थी। तितली कली पर जाती थी। नंबर थ्री, नानी मीठी, और ये किसकी पिक्चर है? ये है लीची की पिक्चर। तो ये क्या बना हुआ? लीची लाई, नानी मीठी लीची लाई। ये आपको पिक्चर पहचान कर तब इनके नेम लिखने हैं और बोल बोल कर लिखने थे, जब आपको समझ में आएगा ये किसकी मात्रा कहाँ पर हम लगाकर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको बोल के नहीं लिखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये बड़ी की मात्रा के शब्द हैं जो हमने पिक्चर बनाई है, वो बड़ी की मात्रा की हैं। देखिए, नाशपाती बड़ी की मात्रा, तितली लापर बड़ी की मात्रा, और लीची लापर भी बड़ी की मात्रा, चापर भी बड़ी की मात्रा। तो ये क्या बन गया? लीची। समझ आया? अब आपको होमवर्क में ऐसे ही काम करना है जैसे मैम ने यहाँ पर कराया है, ठीक है। नाशपाती तितली लीची सबकी पिक्चर बनाकर पूरा आपको लिखना है और फिर आपको ये अंदर पिक्चर्स के नेम भरने हैं,
ठीक है ना, और बोल बोल के सुंदर हैंड राइटिंग में करना है जिससे कि आपको मात्रा की पहचान हो जाए। ओके, थैंक यू।